ओके बेटा, अब कभी कभार ये होता है कि हमें अगर इक्यू ज्वाइन की जरूरत पड़ती है कि अगर हमें चार टेबल से भी डेटा फेच करना पड़े तो हम कैसे करेंगे बाय यूजिंग इक्यू ज्वाइंस। तो सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें, अगर मेरे पास चार टेबल हैं कैटेगरी प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स और कस्टमर्स और मुझे इक्यू ज्वाइन यूज करके इन चारों टेबल से डेटा फेच करना है तो मैं किस तरह से करूंगा। तो सबसे पहले हम यहां पे आते हैं और इक्यू ज्वाइन को ट्राई करते हैं। सिलेक्ट, उसके बाद हमें क्या देना है, कैटेगरी की टेबल से क्या उठाना है, कैटेगरी का नाम। फिर प्रोडक्ट्स की टेबल से क्या उठाना है, प्रोडक्ट का नाम। फिर प्रोडक्ट्स की टेबल से अगेन उठानी है प्रोडक्ट की प्राइस। अभी दो टेबल से डेटा फेच कर लेते हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट्स कॉमा कैटेगरी, क्योंकि इक्यू ज्वाइन है तो कॉमा लगा के यूज कर लेंगे और इक्यू ज्वाइन के अंदर यूज होता है वेयर क्लॉज, तो वेयर क्लॉज लगाएंगे। अब वेयर क्लॉज के बाद आपने बताना है कंडीशन कि प्रोडक्ट्स की टेबल में जो कैटेगरी आईडी है अगर वो बराबर है कैटेगरी के टेबल के कैटेगरी आईडी से तो वो डेटा फेच करके हमें दिखा दे। तो ये दो टेबल से डेटा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, ये जब हमने पढ़ा था ऑल ज्वाइंस का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये परफॉर्म किया था कि दो टेबल से कैसे डेटा फेच करते हैं। लेकिन अगर हमें थर्ड टेबल से भी डेटा फेच करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंशन द टेबल नेम और वो तीसरा टेबल है ऑर्डर्स। सही है? अब इस टेबल से क्या उठाना था, ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर्स की टेबल से ऑर्डर आईडी और अगेन ऑर्डर्स की टेबल से ऑर्डर डेट। सही है? और फ्रॉम में क्या बताएंगे, ऑर्डर्स की टेबल जो हमने मेंशन कर कॉमा लगा के। सही है? अब हमें कंडीशन लगानी है तो यहां पे क्या लगाएंगे, तीसरी टेबल से डेटा एंड लगाएंगे और बताएंगे कि प्रोडक्ट्स की टेबल में जो प्रोडक्ट की आईडी है अगर वो बराबर है ऑर्डर्स की टेबल के प्रोडक्ट आईडी के तो वो डेटा फेच कर लो, क्योंकि हमें कॉमन कॉलम को देखना है। कैटेगरी की टेबल में केट आईडी और प्रोडक्ट की टेबल में केट आईडी इज अ कॉमन कॉलम। सही? फिर प्रोडक्ट की टेबल की प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर्स के टेबल के प्रोडक्ट आईडी का इज अ कॉमन कॉलम है जो आप यूज कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ फेचिंग डेटा फ्रॉम थ्री टेबल्स। आप इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो अब डेटा तीनों टेबल से आएगा। लेकिन अभी का हमारा जो मोटिव हो ये है कि हमें डेटा चार टेबल से फेच करना है बाय यूजिंग क्यू ज्वाइन, तो हमें चौथा टेबल भी यहां मेंशन करना पड़ेगा। और चौथा टेबल कौन सा है, हमारा कस्टमर्स का है और कस्टमर्स की टेबल से हमें क्या उठाना है, कस्टमर का नाम उठाना है। सही है? आप कस्टमर्स की टेबल से कस्टमर्स का सिटी भी उठा दो कि कस्टमर किस सिटी से बिलोंग करता है। फिर मैं यहां पे आके क्या लगाऊंगा, एंड, फिर क्या लगाऊंगा कि कस्टमर्स की टेबल, या आप ऐसा कर दो ऑर्डर्स की टेबल से जो कस्टमर आईडी है अगर बराबर है कस्टमर्स की टेबल के कौन से आईडी के, कस्टमर आईडी के, तो वो डेटा फेच कर दो, क्योंकि इस टेबल और इस टेबल में जो कॉमन चीज है वो कस्टमर आईडी है। और डेटा ज्वाइन तभी लाते हैं जब कोई कॉमन कॉलम हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, तो हमें क्या करना है, अब यहां पे आना है और इसको सिलेक्ट करके चलाना है और देखना है कि क्या ये डेटा ला रहा है। यस, अब सिटी भी आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां पे आके फिर से कंडीशन लगाते हो, क्या लगाएंगे, एंड कस्टमर्स की टेबल का जो कस्टमर सिटी है अगर इक्वल है किसके, हैदराबाद के, तो जिन लोगों ने हैदराबाद से ऑर्डर किए हैं अगर हमें वो देखने हैं तो वो आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रोडक्ट्स की कैटेगरी भी मिलेगी, प्रोडक्ट्स के नाम भी मिलेंगे, प्राइसेस भी मिलेंगी, ऑर्डर का आईडी भी मिलेगा, ऑर्डर डेट मिलेगी, कस्टमर का नाम मिलेगा और कस्टमर का सिटी भी मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, अच्छा, अब यहां पे आके आप ऑर्डर पे भी लगा सकते हो, लेकिन
हमें अगर दो सिटीज से डेटा फेच करना है तो इक्वल नहीं लगाएंगे, हम क्या लगा लेंगे इन, ताकि क्यूरी कम हो, तो हम हैदराबाद कॉमा कराची, कि इन दो सिटीज के जो भी ऑर्डर है वो हमें बता दो, यानी जो कस्टमर्स ने जो हैदराबाद और कराची से बिलोंग करते हैं वही आपके फेच करके बता दो, तो आ रहे हैं। या फिर हमने अगर लाइक ऑपरेटर भी इसके साथ यूज करना है तो क्या करेंगे, इन को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, जिनका सिटी का नाम लाइक किसके है, जो एच से शुरू होता है, ठीक हो गया, सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करते हैं, तो सारे आ रहे, ठीक है बेटा। आप किसी भी कॉलम पे कंडीशन लगा सकते हैं, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, है ना, सारी चीजें आप लगा सकते हो। चले मैं अगर ऐसा करता हूं, ये नहीं लगाता और हम कंडीशन कुछ इस तरह लगा देते हैं कि यहां मैं लाइक नहीं लगाता और मैं यहां पे लगा देता हूं जिन, यहां पे के प्रोडक्ट्स तो उठा रहे हैं ना ऑर्डर से, ठीक है। अभी अगर मैं यहां पे आके देखूं तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही है, डेटा देखो पहले, आ रही सारी प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं कहता हूं वो प्रोडक्ट दिखाओ जिनकी प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है 32,000 से अबव है या 30 से अबव है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पे प्रोडक्ट के बाद यहां एंड लगाएंगे और कहेंगे प्रोडक्ट की टेबल से अगर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000 है तो वही क्या करो प्रोडक्ट प्राइस कॉलम का नाम सही से देना, सही है, सिलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आएंगी जो 30,000 से अबव, कौन सा क्लियर हो गया बेटा, सही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन यू नीड सच काइंड ऑफ थिंग्स आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे चाहे इसको फेच कर सकते हैं। तो ये था इक्यू ज्वाइन जिसके थ्रू हम डेटा चार टेबल से फेच कर रहे हैं, और हमने इसके अंदर देखा है कि आप मल्टीपल सिनेरियोस की बेसिस पर भी फेचिंग करवा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया।